अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज सैफ अली और आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस की कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन अगर हम किसी चीज़ के अंदर मिक्स करें, किसी भी चीज़ को लिक्विड के अंदर, चाहे हम लेट्स सपोज अगर हम पानी के अंदर नमक को ही मिक्स करते हैं, तो अगर बहुत थोड़ी सी मिकदार को मिक्स करते हैं तो उसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अगर उसी के साथ हम एक दूसरा बीकर लेते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर नमक को ज़्यादा नमक मिक्स कर देते हैं, तो उससे रिलेटिवली वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। एक डाइल्यूट यानी जिसके अंदर कम होगी कंसंट्रेशन साल्ट की, वो कौन सा होगा डाइल्यूट, और जिसके अंदर ज़्यादा होगी उसी की नस्बत के साथ वो कंसंट्रेटेड। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की एग्जाम्पल थी। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम्पल्स सॉल्यूशन एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देखने की जो चीज़ सॉल्वेंट होती है, वो चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो मिक्सचर में ज़्यादा मकदार में मौजूद होती है। सॉल्वेंट जो किसी चीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती होती है, वो सॉल्वेंट होती है। उसी के बाद अगर हम देखते हैं सॉल्यूट, तो सॉल्यूट एक ऐसी चीज़ होती है जो सॉल्यूशन के अंदर कम मकदार में मौजूद होती है। जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी पानी के अंदर नमक, तो नमक जो था वो क्या था हमारे पास, सॉल्यूट, और पानी सॉल्वेंट। उसी तरह से हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इधर आप सबसे पहले एग्जाम्पल है कि सॉल्वेंट यानी गैस ज़्यादा है और दूसरी गैस कम है, तो जो हमारे पास अभी हम एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसकी एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, ठीक है। उसी के बाद अगर हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, लिक्विड ज़्यादा है और गैस कम है, यानी लिक्विड सॉल्वेंट है और गैस कम है। लिक्विड ज़्यादा और गैस कम मतलब पानी ज़्यादा है, उसके अंदर ऑक्सीजन कम है। इसका मिक्सर है H2O में ऑक्सीजन का मिक्सर, यानी कि पानी के अंदर जो चीज़ें, जो मछलियाँ और दूसरे पौधे जो पानी में रह रहे हैं, पानी में जिंदा है, वो सांस ले रहे हैं, तो वो इस ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, ना कि वो पानी के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर रहे हैं। एक H2O इसकी जो ये वाला ऑक्सीजन है इसको यूज़ नहीं हो करते, लेकिन इसके अंदर जो मिक्सचर इस ऑक्सीजन का इसके अंदर शामिल होता है उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी ऑक्सीजन भी इसके अंदर H2O के अंदर, लिक्विड क्या है ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो ये हमारे पास दूसरे मिक्सचर सॉल्यूशन की एग्जाम्पल थी। अब हम नीचे रहते हैं, सॉलिड ज़्यादा है और गैस कम है, सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा है और गैस कम है। तो सॉलिड है हमारे पास प्लैटिनम, प्लैटिनम की जो स्क्रैनिंग के ऊपर गैस अब्जॉर्ब हो जाती है उसको क्लोर करने के लिए, जंग लगाने के लिए। प्लैटिनम एक मेटल है जो कि हमारे पास PDT टेबल के अंदर, ये इसका प्रोडक्ट टेबल के अंदर ये इसका नाम है, और इसके ऊपर क्या करते हैं इसको क्लोर करने के लिए, यानी इसको जंग लगाने के लिए हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन गैस है उसके जो पार्टिकल है वो उसके साथ ऊपर चिपक जाते हैं, तो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये उसकी एग्जाम्पल है, सॉलिड ज़्यादा और गैस H2O कम। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है, गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है। गैस से ज़्यादा मतलब फोग, हम फोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो जिसको हम कहते हैं कि जब धुंध में सफ़र करना, धुंध जब हम सर्दियों में देखते हैं उसमें सफ़र नहीं किया जाता क्योंकि देखा नहीं जा रहा होता। उसके अंदर क्या होता है कि गैस ज़्यादा होती है और लिक्विड कम होता है, मतलब हमारे जो किसान जो आग लगा देते हैं फसलों को, उनका जो धुआं होता है तो वो जब मिक्सर बना देते हैं अपना उसके साथ लिक्विड के साथ, यानी पानी के जो वाटर बर्तन होते हैं उनके साथ जब मिक्सर बना देता है, वो मिस्ट की फॉर्म, एक फोग की फॉर्म बन जाती है, स्मोक की फॉर्म बन जाती है। हमारे पास एक टर्म आ जाती है स्मोक, इसके अंदर स्मोक और फोग दो मिल जाते हैं, स्मोक और फोग मिल जाती है, और ये क्या बना देती है, ये वाला मिक्सर। इसके अंदर गैस ज़्यादा मिकदार होती है और लिक्विड यानी और पानी के जो वेपर्स होते हैं वो कम मिकदार होते हैं। क्या बना देते हैं, स्मोक, फोग एंड मिस्ट। उसके बाद एग्जाम्पल है लिक्विड की, लिक्विड के अंदर एक लिक्विड ज़्यादा दूसरा लिक्विड कम, तो उसकी एग्जाम्पल है कि पानी के अंदर एल्कोहल को मिक्स कर दिया गया, एल्कोहल को पानी के अंदर मिक्स कर दिया गया, उसके अंदर क्या था, हमारे पास पानी था वो ज़्यादा था और एल्कोहल कम थी। दूसरा छठा देखिए, हमारे पास सॉलिड ज़्यादा है और लिक्विड कम है, सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा हैं और लिक्विड के कम है। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है बटर और चीज़। हम देखते हैं कि बटर किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने घरों के अंदर, तो वो क्या होता है कि लस्सी में से उसके पार्टिकल को निकाला जाता है, तो लस्सी क्या थी लिक्विड, लेकिन जब हम उसके जो वजरी पार्टिकल जो उसके ऊपर आ जाते हैं नैप्स होकर, जब हम उनको ऐसे करके उसमें से निकाल लेते हैं, तो जो हमारे पास बटर आता है उसके अंदर सॉलिड ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा सॉलिड होता है, लेकिन उसके अंदर लिक्विड जो पानी होता है वो बहुत कम होता है, और उसको भी निचोड़ कर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बटर और चीज़ की एग्जाम्पल थी कि सॉलिड बटर में ज़्यादा होता है और लिक्विड कम। अब साथ में देखते हैं कि गैस ज़्यादा हो और सॉलिड उसके अंदर कम हो, गैस ज़्यादा उसके डस्ट पार्टिकल ही है हमारे एयर के अंदर, जो डस्ट पार्टिकल है गैस तो ज़्यादा है, लेकिन जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल सॉलिड है तो वो कम है, गैस हमारे पास ज़्यादा है, तो हमें डस्ट पार्टिकल इतने इफेक्टिव
उसके बाद लिक्विड ज़्यादा है और सॉलिड कम है, लिक्विड सॉलिड को अपने अंदर अब्जॉर्व कर रहे हैं, लिक्विड ज़्यादा निकला रहे हैं सॉलिड कम है, तो उसकी एग्जाम्पल है शुगर या H2O, यानी H2O लिक्विड ज़्यादा है और शुगर जो सॉलिड है वो कम मिकदार में पानी के अंदर एब्जॉर्व हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि सॉलिड का सॉलिड के अंदर मिक्सचर तो मेटल अलॉय में बहुत सारे मेटल्स को पिघला कर हम उसका एक अलॉय तैयार कर लेते हैं जिससे हम अपनी गाड़ी फिलिंग वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं मेडिकल के अंदर तो डेंटल जो है उसको डेंटल मलगम में यूज़ करते हैं उसको बनाकर मिक्स करके, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। अगर हम देखा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट जो कम मिकदार होता है, और ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।